जोश में नहीं आने का, जोश में नहीं आने का, ठीक है, कमॉन कमॉन। सो आज आज हम लोगों को बहुत जोरों की अनबॉक्सिंग आई है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये लैपटॉप आया तो आया कहाँ से। वेल, मेरे पास ये लैपटॉप पड़ोसी के पास से तो नहीं आया है, और मैंने अपने भाई से भी उधार में नहीं लिया है, मैंने अपनी बहन से पैसे भी नहीं मांगे हैं, और मैंने अपने अपनी सैलरी से भी नहीं खरीदा है। वेल, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। अब आप बताना मुझे कि आपको क्या लगता है मैंने ये लैपटॉप कहाँ से लिया है। सो ये लैपटॉप है एसर का प्रेडेटर हीलियोस 300। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो ये है प्रेडेटर का हीलियोस 300। इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, और साथ साथ मैं उसके आपको इसकी डिटेल्स बताते जाऊंगा। और काफी सारे लॉक्स हैं इसमें, जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके, तो इसके अंदर एक और बॉक्स भी है। ओके, और इस बॉक्स के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं। पहले इस बड़े से बॉक्स को हम साइड कर दें, काफ़ी हैवी बॉक्स। ओके, इसमें और कुछ नहीं, बस फोम वोम कुछ है। पहले एक काम करते हैं, पहले इसको इसमें से हटा देते हैं। एक एनवलप भी है हमारे पास, आई थिंक इसमें कुछ पेपर वर्क होगा, वो बोरिंग पेपर वर्क। ओके, वारंट, ओके वारंटी पेपर्स, और कुछ सेटअप गाइड है, बट वी डोंट नीड अ सेटअप गाइड, राइट? वी आर प्रो, वी आर प्रोफेशनल पीपल। ओके, सो इसमें कुछ स्टिकर्स भी हैं, ये काफ़ी कूल हैं, ये काफ़ी कूल हैं एक्चुअली। और टीम इवॉल्व बैटल, एनीवेज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो अब है हमारे पास ये डब्बे के अंदर डब्बा, और डब्बे में है ये राज, देखते हैं। ओके, काफ़ी अच्छी सटल पैकिंग है यार इसकी, आई मीन काफ़ी सटल। सो ओके, ये रहा ये लैपटॉप। इसे निकालना कैसे, यहाँ पे कोई हिंज वगैरह दिया नहीं इन्होंने, क्या उल्टा करके निकालना पड़ेगा फ़ोन के टाइप? रिस्की, बहुत रिस्की, बट हम लोगों ने इसे निकाल लिया है। तो ये रहा लैपटॉप, ये ऑलरेडी अभी से स्मज होना शुरू हो चुका है, बट इसे अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। देखते हैं कि और बॉक्स में हमें क्या क्या मिला है। इस बॉक्स में और तो कुछ नहीं है, कुछ सीरियल नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। ओके, आई थिंक इसमें इसका चार्जिंग और बैटरी बैक होगा। यस, तो इसका इसमें एक चार्जिंग ब्लॉक है जो 180 वॉट्स का है, तो आपको काफ़ी अच्छी स्पीड मिलनी चाहिए चार्ज की, बट वो हमें पता चल जाएगा। मैं इसके बाद एक फर्स्ट इंप्रेशंस और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का वीडियो बनाऊंगा, देखते हैं कि इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है। ओके, अभी इसे साइड में रख देते हैं। और इसमें एक ये लॉन्ग केबल, आई थिंक ये 2 मीटर या एक, यस 2 मीटर के आसपास की केबल होगी, 2 मीटर्स की केबल होगी। सो इसे भी साइड में रख देते हैं, और चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। सो ये रहा लैपटॉप, काफ़ी ज़्यादा हैवी तो मैं नहीं कहूँगा, बट आई थिंक आपको ये दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा हैवी तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ एक प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप के रेंज का ही है। वेट मामले में अराउंड ये 2.5 kg के आसपास का होगा, आई थिंक यस उसी रेंज का होगा। सो कागज़ निकलता, और इसमें चाइनीज में लिखा है, अच्छा इंग्लिश में भी लिखा है, योर नोटबुक स्लैश टैबलेट इज प्लग इन टू AC पावर सप्लाई। ओके 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 ओके, मतलब इसे, वैसे यार जनरल रूल ये है कि लैपटॉप्स को चार्ज में लगा के ही गेम खेलना चाहिए, ताकि इसके GPUs अच्छे से परफॉर्म कर पाए, और आप इसको टर्बो मोड पर रन कर पाओ। तो इसका आप सोच रहे हो कि इसका प्राइस क्या है, तो भाई इसका प्राइस है 2 किडनी, डिपेंड करता है आप कहाँ खरीदो, तो आपको 3 किडनियाँ भी लग सकती है इसको खरीदने के लिए। बट आई थिंक कि इसका, अभी हमने इसे एसस के शोरूम से लिया था, तो हमें ये 125,000 इंडियन रुपीज़ में पड़ा था, और फ्लिपकार्ट पे भी कुछ दिन पहले अवेलेबल था, जो कि मैंने देखा था ये 114,000 के आसपास अवेलेबल था, बट मैंने सोचा यार स्टोर से जाके लेते हैं, बिकॉज मुझसे वेट नहीं होता इतने दिनों तक डिलीवरी तक का, और लॉकडाउन में पता नहीं कब कौन सी चीज़ें डिलीवर हो पाती या नहीं पाती। तो मैंने प्राइस बता दिया, प्राइस है अराउंड 125,000, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी, आपको 114,000 का भी मिल सकता है। सो चलते हैं और इस लैपटॉप की कुछ स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबसे कॉमनली यूजेबल पोर्ट्स है, जिसमें कि हमारे दो टाइप ए अडैप्टर्स हैं, इसमें स्लॉट्स हैं, एक लैन स्लॉट है आपका, इसमें एक ऑडियो जैक है, एक पावर सप्लाई जैक है इसका,
उसके बाद आपको थंडरबोल्ट 3 भी मिल जाता है, साथ ही साथ आपको एक यूएसबी टाइप ए इधर भी मिल जाता है, ताकि आपके पास सपोज आप इधर माउस और अपने कीबोर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हो और इधर आप अपने किसी थर्ड सेकंड डिस्प्ले मॉनिटर को कनेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक मिनी डिस्प्ले पोर्ट भी मिल जाता है इस पर, और आपका फिर उसके बाद HDMI पोर्ट भी है इसमें अवेलेबल, ताकि आप इसको किसी एक्सटर्नल 4K डिस्प्ले से भी कनेक्ट कर सकते हो। आई थिंक जनरली जो हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं जैसे कि इसके, वो आप किसी भी 4K लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर 4K डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो मुझे खोलते ही दिखाई दे रही है इस पर कि ये 144Hz का रिफ्रेश रेट के साथ आता है। मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया है, मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बता ही देता हूँ। मैंने नोट डाउन कुछ कर रखा है स्पेसिफिकेशंस, अब इतने सारे स्पेसिफिकेशंस तो याद रहते नहीं है, बट कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। तो जनरल स्पेसिफिकेशंस जो मुझे दिख रहे हैं अभी, सबसे पहले वो है कि इसमें अभी अगर आपको इसका मॉडल नंबर जाना है तो ये PH315/52 और CPU कोर i7 9th generation का आता है इसमें, कोर i7 9th generation का आता है इसमें। प्लस जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट वो है कि इसमें NVIDIA का GeForce RTX 2060 ग्राफिक्स कार्ड आता है 6GB ऑफ वीडियो रैम के साथ, जो कि आई थिंक अभी मार्केट में सबसे हाई एंड कैटेगरीज ऑफ गेमिंग लैपटॉप्स में वीडियो मेमोरीज में काउंट होता है। साथ ही साथ जैसा कि इसमें विजिबल है कि ये इंटेल कोर i7 9th generation के साथ आता है, प्लस इसमें जो वीडियो मेमोरी है जो NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है वो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो ग्राफिक्स कार्ड आपको RTX का 2060 सीरीज़ का मिलता है जो कि 6GB वीडियो रैम के साथ आता है। तो काफ़ी हाई एंड स्पेक है, आप इसमें कोई भी हाई एंड गेम अभी तक जो भी मार्केट में अवेलेबल है, GTA 5 हो गया, आपका जो भी हाई एंड गेम्स हो गए लाइक विचर 3 हो गया या बैटलफील्ड 5 हो गया, आप आराम से हाईएस्ट अल्ट्रा सेटिंग ग्राफिक्स में खेल सकते हो। सो रिफ्रेश रेट 144Hz होना बहुत ज़रूरी है गेमिंग लैपटॉप में। आई थिंक 120Hz भी चल जाता है, बट अगर 144Hz है तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता चलेगा जो प्रोफेशनल गेमर्स है, बट अगर आप 60Hz और 120Hz को कंपेयर करो तो आपको डिफरेंस पता चल जाता है। तो अगर 144Hz है तो यार ऑब्वियसली अगर आप किसी 60Hz डेस्कटॉप से या PC से आ रहे हो या लैपटॉप से आ रहे हो तो आपको अपेरेंट डिफरेंस पता चलेगा ऑब्वियसली इसमें। सेकेंड ऑफ ऑल आपको मैं कुछ और स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ इसकी। तो कुछ और स्पेसिफिकेशंस में इसकी रैम 16GB DDR4 डुअल चैनल रैम है इसमें, जो कि आप एक्सपैंड कर सकते हो 32GB तक। प्लस इसके साथ आपको स्टोरेज का जो 256GB का इनबिल्ट SSD आता है जो कि आपका सैमसंग का आता है, और उसके साथ ही 1TB का HDD भी आता है जो कि किंगस्टन का आता है। तो आई मीन स्टोरेज की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ कि अपने हाई एंड गेम्स को आप SSD में इंस्टॉल करो, ताकि परफॉर्मेंस उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। आप किसी भी लैपटॉप यूज़ करो, SSD और HDD में परफॉर्मेंस का रीड और राइट परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, तो उससे आपको गेम में भी काफ़ी डिफरेंस पता चलेगा। सेकेंड से जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग गेमिंग लैपटॉप की बात है वो है कि इसमें स्टील सीरीज का कीबोर्ड आता है जो कि आप हाईली कस्टमाइज कर सकते हैं। ये 4GB ये 4-zone RGB कलर टोन के साथ आता है, तो आप इसको बहुत हद तक कस्टमाइज भी कर सकते हो। वेबकैम की बात करें अगर किसी भी लैपटॉप में, तो यार मैं उतना हाईली रिकमेंड नहीं करता कि अगर आपको कोई ज़्यादा वेब या वीडियो रिलेटेड काम है, वीडियो कॉल्स करने, मीटिंग्स करनी या गेमिंग स्ट्रीम भी करना, तो आपको एक एक्स्ट्रा वेबकैम तो लेना ही पड़ेगा। बट इसमें फॉर रिकॉर्ड 720p का वेबकैम भी आ जाता है, जो कि ठीक ठाक है, नॉर्मल लैपटॉप जैसे होते हैं। यार एप्पल के अलावा आई डोंट रिकमेंड कि किसी के वेबकैम उतने अच्छे होते हैं लैपटॉप्स में। जनरली कूलिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है यार बहुत सारे लैपटॉप्स में, लोगों को पता नहीं चलता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, बट जब लोग समझ पाते कि हाउ इंपॉर्टेंट रियली कूलिंग इज, तब तक काफ़ी देर हो जाती है और वो तब तक लैपटॉप ले चुके होते हैं। और कूलिंग के लिए इसमें एरोब्लेड का 4th generation सीरीज़ का कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो आई थिंक सी हीटिंग इश्यूज तो हर लैपटॉप में रहते हैं, आपको किसी सॉलिड बेस पे रख के ये लैपटॉप यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल लैपटॉप्स नहीं होते हैं, लैपटॉप्स, बट आप इसे किसी टेबल पे या किसी डेस्क पे रख के या किसी ग्लास पैनल पे रख के यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आती है, क्योंकि चैनल फ्लो, एयर का जो फ्लो चैनल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए या ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो आप अगर इसे बेड पे रख के यूज़ करो या कपड़ों पे रख के यूज़ करो तो इट माइट डिक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ योर लैपटॉप, और हो सकता है ओवरऑल यू नो ड्यूरेबिलिटी ऑफ योर कूलिंग सिस्टम पे भी इसका असर हो ही जाता है। तो मैं इसको एक बार टर्न ऑन भी कर देता हूँ, आपको क्विक ग्लिम्स दिखा देता हूँ उसके RGB लाइटिंग सिस्टम की। उसके बाद हम अगली वीडियो में इसका एक फर्स्ट इंप्रेशंस देखेंगे, कुछ इसके बेंचमार्क टेस्ट भी करके देखेंगे, देखते हैं कि क्या ये लैपटॉप 2 किडनी के वर्थ है या नहीं है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये लैपटॉप कैसा लगा, प्लस आप बताओ कि आपको इस लैपटॉप के बारे में ऐसी क्या चीज़ें जो मैंने शायद इस वीडियो में मिस कर दी और आपको जानना हो, आप मुझे बताओ, मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। डिपेंड करता है मैं वो कमेंट्स कब पढ़ पाता हूँ। तो
लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एपिक हूट बिकॉज वी आर अ ग्रोइंग कम्युनिटी ऑफ गेमर्स। और आप सोचोगे ये रैंडमली कहाँ से हमने आज लैपटॉप अनबॉक्सिंग करना शुरू कर दिया, बट हम काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोग हमसे ये बोल रहे थे कि हम कौन सा लैपटॉप यूज़ करते हैं, या मेरा लैपटॉप का सेटअप कौन सा है, या मैं लैपटॉप यूज़ करता भी हूँ या नहीं करता। हाँ मैं यार लैपटॉप ही यूज़ करता हूँ, बट मैं कौन सा लैपटॉप यूज़ करता हूँ, ये लैपटॉप यूज़ करता हूँ या कोई और लैपटॉप यूज़ करता हूँ, वो आपको बहुत जल्दी मेरे अगले वीडियोज़ में पता चल जाएगा। So till then, keep gaming and take care of yourself. Bye bye. मेरे कैमरामैन मुझसे इरिटेट हो रहा है। Sorry. Bye.